नमस्कार, कुक सेवन शुक में आज हम बनाएंगे मैक्रोनी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्याज पिसी हुई, एक टमाटर पिसा हुआ, चार कलियां लहसुन कद्दूकस किए हुए, एक इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, थोड़ा सा धनिया, चार चम्मच तेल सरसों का या फिर आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, 1/4 चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया, 1/4 हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, एक मैगी मसाला का पैकेट और आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं या आधा चम्मच डाल लें, 2 कटोरी मैक्रोनी। अब हम सबसे पहले मैक्रोनी को उबालेंगे, उसके लिए गैस जलाएंगे और उसके ऊपर एक बर्तन रख के उसमें पानी डालेंगे। इतना पानी लेंगे जिसमें मैक्रोनी उबल जाए। जब पानी उबलने लगे तब हम इसमें आधा चम्मच तेल डालेंगे और कुछ थोड़ा सा 1/4 से थोड़ा सा कम आप नमक डालना इसमें, ताकि इसमें मैक्रोनी में अंदर तक थोड़ा नमक हो जाए और हमारी अपनी जो मैक्रोनी है इसे हम पूरी डाल देंगे इसमें और इसे उबलने के लिए रख देंगे। हमें इसे पूरी नहीं उबालनी है, 80% इसे 80-90% आप इसे उबाल लें, क्योंकि ज़्यादा उबलने पे ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी, इसलिए हमें इसे 80% ही उबालना है। जितनी देर में हमारी मैक्रोनी उबल रही है उतने में हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। पहले हम कढ़ाई रखेंगे, जब कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए तब इसमें हम तेल लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम सबसे पहले जीरा डालेंगे और जीरे के बाद सबसे पहले हमें लहसुन डालना है और लहसुन को ब्राउन करना है, क्योंकि इसमें लहसुन का ही सबसे ज़्यादा फ्लेवर आएगा। जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे अदरक। और डालेंगे प्याज। जब प्याज भुन जाए तब आप इसमें टमाटर डाल दें। और अपने आप सारे मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे, धनिया डालेंगे, हल्दी डालेंगे। आप गैस कम कर लें इस टाइम पे, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। मसाला भी डाल देंगे, 2 चम्मच पानी डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे। हमारी मैक्रोनी उबल गई है, अब हम इसे पानी में से अलग कर लेंगे। अब हमारा ये मसाला तैयार है, अब हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे जो हमने पानी में से निकाल ली है, अलग कर दी है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से।
हमारी मैक्रोनी तैयार है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे, थोड़ा मिक्स कर देंगे। अब इसे हम सर्व करते हैं। अब हमारी मैक्रोनी तैयार है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट करें।